नसरुल्लागंज महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एसडीएम डीएस तूमर को ज्ञापन दिया। संवाददाता चांद मिया ने बताया, बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने आज ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की महिलाओं ने बीजेपी सरकार के ऊपर जमकर भड़ास निकाली, विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए। महंगाई को लेकर गरीब महिलाओं का बजट गड़बड़ाया है, जिससे कि घर परिवार चलाना काफी मुश्किल हो गया। वहीं महिला कांग्रेस ने नगर के दुर्गा मंदिर चौराहे पर मंदिर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुलाबबाई ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष रमा पटेल, ममता कीर, प्रदेश सचिव कंचन शर्मा ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार को जमकर कोसा। आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे तो बीजेपी के लोग, और आज जो प्रदेश के मुखिया बनकर बैठे हुए हैं, वे महंगाई को लेकर हर दिन साइकिल पर चलने लगते थे, मगर आज उनकी सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन बढ़ते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी के राज्य में महिला अपराध चरम पर है, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, मगर इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता। वहीं महिला कांग्रेस के साथ ब्लॉक का अध्यक्ष सुरेश चंद्र सेठी, मोहन शर्मा, संतोष शर्मा, मोर सिंह राजपूत, संजीव अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, मंजू प्रकाश सेठी आदि लोग महिला कार्यकर्ता मुख्य रूप से शामिल हुई। नसरुल्लागंज से चांद मिया की रिपोर्ट। विरोध में ज्ञापन दिया गया। पिछले आए दिन गैस सिलेंडर के दाम आए दिन 25 रुपये बढ़ रहे हैं, आज 850 रुपये में टंकी हो गई है। और देश जो गैस जो महिलाओं के लिए किचन चलाने के लिए बहुत परेशानी आ रही है, डीजल 100, पेट्रोल 90, इस तरीके से आए दिन दाम बढ़ा रहे हैं आदरणीय मोदी जी। इसके खिलाफ हमने आज महिला कांग्रेस ने नसरुल्लागंज में ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल के नाम पर, कि आज महिलाओं को माननीय मोदी जी कहते थे महिलाओं से, आज महिलाओं भी सुरक्षित नहीं है, उसके विरोध में भी हमने ज्ञापन दिया है। आए दिन महंगाई बढ़ रही है, इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जो महिलाओं का किचन डगमगा गया है, जो गरीब महिला वो किस तरीके से किचन चला सकती है। उनने हिजबुलाइज ने बोले, हमने भाइयों बहनों सब गरीबों को टंकी बांटी, और हम माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपने टंकी बांट दी, टंकी आज हर गांव में हर घर में होंदी पड़ी है, क्योंकि 850 रुपये नहीं है उनके पास तो वो टंकी भरा सके। इस तरीके से उनने कहा था पहले सब्सिडी देंगे, परंतु अभी पिछले एक साल से कोरोना महामारी की आप बात करते हैं, जो कोरोना महामारी में जो गरीबों की जो परेशानी है, उस परेशानी को देख के आपने टंकियों को 850 रुपये कर दिए, वो लोग किस तरीके से टंकी भरा है? आप बोलते देखिए, मैंने सब बहनों के आंसू खत्म कर दिए उज्ज्वला दे के, पर हम पूछना चाहते हैं कि आंसू आपने ज़्यादा दे दिए हैं, जो 850 रुपये टंकी करके डीजल 100, पेट्रोल 90, इस तरीके से आपने जो भाव बढ़ाए हैं, तो हर चीज़ का दाम बढ़ गए हैं। दाल शक्कर तेल आज 130 रुपये लीटर हो गया है। तो हम सब बहनों ने आज महंगाई के खिलाफ ज्ञापन दिया है, और हम महामहिम राज्यपाल से आज ज्ञापन के माध्यम से और आप सब मीडिया चैनल माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि हम गरीबों की और हम बहनों की बात को आप माननीय मोदी तक पहुँचाइए, और हम घर परिवार किस तरीके से महिलाओं चलाए उसको चलाना चाहते हैं।